कौन सर सर? मीटिंग हो रही है। कौन सर? आर यू लिसनिंग टू मी? ठीक है, बोलिए। यस सर। हाँ बोलिए ना। सर मीटिंग बैक हो रही थी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है? हाँ सर क्या हो गया था? मीटिंग बैक हो रही थी सर मेरी। मेरी भी हो गई थी। होस्ट होते हैं उमंग कॉलेज, उन्होंने होस्ट की ओर से हुआ था, हमारे ओर से नहीं प्रॉब्लम था, नेटवर्क का इशू नहीं था वो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट योर विजन। जितना क्लैरिफाई आपका विजन रहेगा, जितना क्लियर आपका विजन रहेगा, आप नहीं अच्छे तरीके से काम कर पाओगे। नेक्स्ट, गैदर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर विजन। गैदर्ड इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर विजन, अपने विजन के हिसाब से इन्फॉर्मेशन गैदर करें, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। आफ्टर दैट फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी बनाओ। आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, अभी आपका काम है आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी है आपके पास इन्फॉर्मेशन होने के कारण। आफ्टर दैट इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी। हम स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये सोच रहे प्रॉफिट कमाना है, उसके लिए हमें प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। ये अपने स्ट्रैटेजी को क्या कर रहे हैं? इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब इन्होंने प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दिया। और ये क्या कर रहे हैं? ये लोगों को हेल्प कर रहे हैं, इन्होंने लोगों को हेल्प करना शुरू कर दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पे। आफ्टर दैट जब हम लोगों को अपनी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लोगों को जा रही है, प्रॉफिट कमा रहा है, ये हेल्प कर रहा है पीपल लोगों को, उसके बाद क्या करेंगे हम? जो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर रहे हम जो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर रहे उसको इवैल्यूएट करेंगे और कंट्रोल करेंगे। मतलब स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करते समय स्ट्रैटेजी के ऊपर ध्यान देंगे कि हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है। ओके यस सर। नेक्स्ट। अच्छा सब लोग है क्या अभी? बेटा सब लोग है क्या अभी? नहीं सर। तो नहीं है? हाँ सोचो, सुनो, आप सबको क्या करना है? पानी शुरू हो गया फिर से। लाइन नहीं थी हमारे यहाँ पे, मोबाइल ही चार्जिंग नहीं हुआ। अच्छा बेटा आप सबको क्या करना है सुनो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ सर। आप सबको एक एक मिनट का वीडियो बनाना है कॉलेज यूनिफॉर्म में विद आई कार्ड। आपको एक एक मिनट का वीडियो बनाना है कॉलेज यूनिफॉर्म में विद आई कार्ड, उसमें आपको आपका इंट्रोडक्शन देना है। आई कार्ड तो हमें नहीं मिला था सर। नहीं मिला आपको? नहीं, विदाउट आई कार्ड बट यूनिफॉर्म में देना। और टाइम मिला था? यस सर। हेलो कौन है, किसका आवाज था? अच्छा एक मिनट का वीडियो बनाना है आप सबको और अपने ग्रुप में सेंड करना है। वो वीडियो एक मिनट से कम का ही चाहिए, एक मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए, जिसमें आपको लिखा क्या क्या बताना है, अपना नाम, एज, क्वालिफिकेशन मतलब स्टडी क्या कर रहे हो, रीजन क्यों स्टडी करे, व्हाई यू वांट टू बिकम अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट। ओके, एम क्या है आपका, आपकी हॉबीज क्या क्या है, आप नेक्स्ट कौन से फील्ड में जाना चाहते हो, मार्केटिंग, एचआर या फाइनेंस, नेक्स्ट फील्ड, और क्यों जाना चाहते हो, रीजन।
व्हाई यू वांट टू बिकम अ एचआर एग्जीक्यूटिव, कितनी चीजें आपको बतानी है और आप अपने हिसाब से कुछ ऐड कर सकते हो, आप अपने हिसाब से कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपके पास कल का दिन है, कल शाम 6 बजे तक वीडियो, सब वीडियो अपने ग्रुप में सेंड कर देना, जो सेकंड ईयर का ग्रुप है उसमें सारे वीडियो सेंड कर देना कल शाम 6 बजे तक। इज दैट क्लियर? यस सर। क्या क्या बताना है बेटा? नेम, एज, क्वालिफिकेशन, रीजन, मैनेजमेंट। सबसे पहले रीजन होगा, मैनेजमेंट ग्रेजुएट क्यों चाहते हो, बनना चाहते हो आप। उसके बाद आपकी एम, हॉबीज, नेक्स्ट फील्ड कौन सी है, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, देन आफ्टर रीजन व्हाई यू वांट टू जॉइन एचआर फील्ड और मार्केटिंग, ठीक है? ठीक है यस सर। उसका प्लस पॉइंट बेटा हमें इस तरीके से मिल, कौन है उसका प्लस पॉइंट हमें इस तरीके से मिलेगा कि आप जब कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, आप जब कभी भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, कोई भी इंटरव्यू के लिए जाते हो, वो सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछेगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और आपका जितना अच्छा इम्प्रेशन पहले सवाल के जवाब से होगा, उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, उतने ज्यादा ही आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। समझा? यस सर। हाँ, तो दो सवाल कॉमन होते हैं बेटा कोई भी इंटरव्यू के लिए, एक टेल मी अबाउट सेल्फ एंड टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के बारे में आप अभी बात ही नहीं कर सकते क्योंकि स्टार्ट ही होने का है ना, स्टार्ट होने का है ना। तो उसके बारे में आप तो कुछ बता नहीं सकते हो, बट आपको रीजन बताना है कि आपने फील्ड मैनेजमेंट की फील्ड क्यों चुनी है, उस सेकंड टाइम आपको बताना है कि आपने मार्केटिंग या एचआर की फील्ड क्यों चुनी है, और रिलेवेंट आंसर चाहिए मुझे। आपके घर में कोई मतलब बड़े भाई वगैरह कोई होंगे, उनसे आप हेल्प लीजिए, और कल शाम 6 बजे तक, ठीक है? मुझे इंग्लिश आप पहले लिख लो, उसकी प्रैक्टिस करो, रट्टा मारो, कुछ भी करो, चलेगा? हाँ सर। ओके। कौन से ग्रुप में भेजना है? दो ग्रुप है? दो ग्रुप है, तब एक सर जिसमें पवन सर वगैरह है वो एक ग्रुप है और एक ग्रुप है। नहीं वो नहीं, जिस ग्रुप में मैं हूँ और आप सब लोगों वो ग्रुप में भेजना, ठीक है? अगर फिर कोई अगर अच्छा वीडियो बनता है तो फिर उसको एक दो वीडियो को प्रिंसिपल सर को सेंड करो। आपके सीनियर ने बना लिया बेटा, आपके सीनियर ने बना लिया और उन्होंने बहुत अच्छा बनाया, कोमल ने बहुत अच्छा बनाया, रोहिणी ने भी बहुत अच्छा बनाया, और दोनों ही लोगों ने बनाया, और उनको मैंने बोला है कि जो वीडियो बनेगा उसको मैं प्रोजेक्ट में हेल्प करूंगा, बाकी किसी को हेल्प नहीं करूंगा, ये भी बोला है मैंने उनको। आपके लिए तो वो रूल लागू नहीं होता है क्योंकि आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ अब तक। ओके सर। जी हाँ बोलो। क्वालिफिकेशन में सर बीएमएस सेकंड ईयर क्या बताना है सर? और सर रीजन सॉरी रीजन सर रीजन में क्या बताएंगे भाई? आपने एमबीए का मतलब मैनेजमेंट क्यों ग्रेजुएट क्यों कर रहे हो? गौरव सर आए थे घर पे? नहीं सर। ये मत बताना घर पे गौरव सर आए थे। जो रीजन है आप जो सीख पाई हो अब तक और आपको उस तरीके से किस तरीके से इम्प्लीमेंट करूंगी वो, और आपको एमबीए करना है अच्छे कॉलेज से वगैरह सारी चीजें आपको बतानी। ठीक है हाँ सर।
बेटा बस स्वाति नहीं पढ़ाई की क्या कल? बाकी किसी को सवाल नहीं आया? नहीं सर, है ना। क्या सर? पूछो। कुछ नहीं बेटा, पूछो। सर मैं क्या आपसे हमेशा सवाल पूछती हूँ क्या? अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। जो सवाल पूछते हैं उनके दिमाग ज्यादा चलते हैं, पर सवाल पूछना ही चाहिए। तो मैनेजमेंट स्टूडेंट का पहला और आखिरी रूल ही वही है, सवाल पूछना चाहिए। वेरी गुड, ऐसे ही सवाल पूछते जाओ, बट रिलेवेंट, और आप रिलेवेंट सवाल ही पूछते हो। बोलिए बेटा शुभांगी। सर कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, उसमें तीन स्ट्रेटेजी है बेटा, उसमें से आपको क्या बेटा? और सर ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी वर्टिकल इंटीग्रेशन, ये वाला भी पॉइंट मैं समझा। वर्टिकल इंटीग्रेशन, ओके। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए कंपनी जो स्ट्रेटेजी डिजाइन करती है उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने के लिए कंपनी जो स्ट्रेटेजी डिजाइन करती है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करना, फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को गेन करना है। कॉम्पिटिटर कौन है? वोडाफोन का कॉम्पिटिटर कौन है? जियो, एयरटेल। एक अगर टेलीकॉम सेक्टर की अगर बात करते हैं तो वोडाफोन का कॉम्पिटिटर कौन है? जियो और एयरटेल। तो जियो और एयरटेल की कॉम्पिटेटिव पॉलिसी को स्टडी करके वोडाफोन जब अपने खुद के लिए एक नई पॉलिसी डिजाइन करेगा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गेन करने के लिए, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। फिर से एक बार सुनो, वोडाफोन जो है वो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है। टेलीकॉम सेक्टर की और दो कंपनियां और तीन कंपनियां ले लो, कौन सी है? एक BSNL है, एक जियो है, एक एयरटेल है। ये तीन कंपनी वोडाफोन की क्या है? कॉम्पिटिटर कंपनी है। तो स्ट्रेटेजी बनाते समय जब अपने कॉम्पिटिटर को वोडाफोन स्टडी करेगा कि उनके कॉम्पिटिटर ने किस तरीके से पॉलिसी डिजाइन की है, और उनको स्टडी करके खुद के लिए एक नई पॉलिसी डिजाइन करके वो पॉलिसी के ऊपर वर्क करेगा, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। मेकिंग अ स्ट्रेटेजी आफ्टर स्टडिंग योर कॉम्पिटिटर, मेकिंग अ स्ट्रेटेजी आफ्टर स्टडिंग योर कॉम्पिटिटर, इट्स कॉल्ड कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। क्लियर? एंड वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब, वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब आप किसी और कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हो जो आपके कंपनी से बड़ी कंपनी है। जैसे वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गए, उनका इंटीग्रेशन हो गया एक दूसरे के अंदर, वो दोनों कंपनी बंद होके एक नई कंपनी स्टार्ट हुई वी, राइट? समझे बेटा? सर वो जो नीचे पॉइंट है ना, रिक्वेस्टमेंट और टर्नओवर में सर, वो भी समझाना है सर। वो नीचे के वो फोर पॉइंट है ना सर, वाले रिट्रेसमेंट और टर्न अराउंड, सर वो क्या है तो पता नहीं, वो टर्न अराउंड और डिसइन्वेस्टमेंट, लिक्विड डाइजेशन, स्टेबिलिटी, ये वाले। ओके, मैंने आपको बोला था डिसइन्वेस्टमेंट के तौर पे गवर्नमेंट राइट नाउ अपने पब्लिक सेक्टर की बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिस कंपनी के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। सबसे बड़ा एग्जांपल LIC का, LIC में 49% की FDI थी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपको ये सारी बातें नहीं समझती क्योंकि आप न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते, आपको FDI नहीं पता होगा क्या होता है, आपको FPI नहीं पता होगा क्या होता है, कैसे करोगे? जब ये सवाल इंटरव्यू में पूछे जाएंगे तो करोगे कैसे, मुझे यही नहीं समझ। ठीक है, करंट की सिचुएशन आप में डिसइन्वेस्टमेंट का आपको बता रहा हूं कि राइट नाउ LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें से 49% का ऑलरेडी डिसइन्वेस्टमेंट कर चुकी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट इस साल के बजट में उन्होंने बोला है कि 75%, मतलब अभी वो 26% और डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मतलब खुद के नाम के शेयर जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, खुद के नाम की शेयर पे जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो मार्केट में बेच देना, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट।
फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई कंपनी है और मेरे किसी कंपनी में 100 के 100% शेयर मेरे हैं, तो मैं मतलब वो शेयर मेरी इन्वेस्टमेंट है ना, तो मैं क्या करूंगा डिसइन्वेस्टमेंट अगर मुझे करना है तो मैं वो 100% शेयर में से कुछ परसेंट शेयर लोगों को बेच दूंगा, मतलब जो मेरे ऑनर के शेयर है वो किसी और को मैं बेच दूंगा, उसका मालिक कोई और बन जाएगा, मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट। जस्ट इन्वेस्टमेंट के अपोजिट है, इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है पैसे लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है लगे हुए पैसे को वापस निकालना, इन्वेस्टमेंट जो किए है जो शेयर है उसको बेच देना और शेयर्स को बेच के पैसे वापस कलेक्ट करना, ठीक है डिसइन्वेस्टमेंट। हाँ सर, और रिप्लेसमेंट सर? हाँ बेटा वो बता, टर्न अराउंड। टर्न अराउंड मतलब क्या होता है दैट यू ऑलरेडी टेक सम डिसीजन, आपने ऑलरेडी कोई डिसीजन ले लिया है बट आफ्टर सम टाइम यू फील दैट योर डिसीजन इज रॉन्ग, आफ्टर और किसी वक्त के बाद आपको पता चला है कि आपका डिसीजन रॉन्ग हो गया, तो वो डिसीजन को वापस लेना और उसके लिए उसके बाद कोई और डिसीजन देना, मतलब आप स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट कर रहे हो बट आफ्टर सम टाइम आपको पता चला है कि दैट योर स्ट्रेटेजी इज नॉट वर्किंग वेल, राइट, और योर स्ट्रेटेजी इज नॉट गुड, राइट, आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज दैट योर स्ट्रेटेजी इज नॉट गुड, सो आफ्टर सम टाइम यू कैन चेंज योर स्ट्रेटेजी एंड चेंज योर डिसीजन एंड चेंज योर जजमेंट। आप क्या करेंगे कुछ देर के बाद वो स्ट्रेटेजी को बंद कर दोगे क्योंकि आपको पता है आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, तो स्ट्रेटेजी को चेंज करना मतलब होता है टर्न अराउंड। और रिट्रीचमेंट, राइट, रिट्रीचमेंट ना? हाँ सर, उसके बारे में पढ़ो बेटा, क्या क्या लिखा के दिया था। पढ़िए ना रिट्रीचमेंट के बारे में क्या लिखा के दिया था। हाँ सर, रिट्रीचमेंट इज वन ऑफ द वेज कंपनीज यूज टू टर्मिनेट एम्प्लॉयमेंट व्हेन द कंपनी इज forced to downsize its number of employees. Retrenchment means terming an employee due to the surplus of labor or incapacity of employee to match the performance standard of the company. Sometimes in a market, your company is not working well. समटाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट में आपकी कंपनी अच्छी नहीं काम करती, तो वो समय में अपने एम्प्लॉय को निकाल देना मतलब होता है रिट्रेचमेंट। सबसे ज्यादा अगर कोई सेक्टर अपने एम्प्लॉय को निकालता है तो वो आईटी सेक्टर है। एक 10 साल पहले की बात है, 10 से 12 साल पहले की बात है, माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग आधे एम्प्लॉय निकाल दिए थे, माइक्रोसॉफ्ट ने लगभग आधे एम्प्लॉय अपने निकाल दिए थे, तो सिचुएशन के हिसाब से अपने एम्प्लॉय को कंपनी से निकाल देना सिचुएशन को मैच करने के लिए मतलब होता है रिट्रेचमेंट, राइट। आईटी सेक्टर में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आईटी सेक्टर को कैसे रहता है बेटा, अगर कोई नया ऑपरेशन हैंडल करने को मिल गया, जैसे हमारा आधार कार्ड, हमारा आधार कार्ड का सिस्टम टोटली इंफोसिस ने बनाया हुआ था, तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट उनके पास था, तो वो प्रोजेक्ट के लिए वो बहुत सारे अच्छे अच्छे नए नए एम्प्लॉय हायर करेंगे, लगभग 2-3 साल 4 साल काम चलेंगे, बट आफ्टर अ सम टाइम आधार कार्ड का जब काम खत्म हो जाता है और इंफोसिस के बाद कोई काम ही नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा 1-2-3-4 महीना अपने एम्प्लॉय को चलाएंगे, बट सिचुएशन के हिसाब से फिर क्या करते हैं वो अपने एम्प्लॉय को निकाल देते हैं सिचुएशन को मैच करते हैं, वो होता है रिट्रेचमेंट, ठीक है। आईटी सेक्टर इसके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। अब माइक्रोसॉफ्ट तो आधे एम्प्लॉय निकाल देते हैं, वो भी आईटी कंपनी है ना। ओके शुभांगी? नहीं सर, नहीं समझा। नहीं समझा? नहीं सर। इंफोसिस एक कंपनी है, इंफोसिस को अच्छा आपको पता है आधार कार्ड किसका आइडिया है? आप में से किसी को पता है आधार कार्ड का आइडिया किसका था? नहीं सर, नहीं सर, तो नहीं पता।
मतलब ऐसा किसने सबसे पहले सोचा था कि इंडिया में हर किसी के पास एक खुद का नंबर होना चाहिए, आधार नंबर, जो कि हर गवर्नमेंट की पॉलिसी से जुड़ा हुआ रहेगा, बैंक अकाउंट, राशन मिलता होगा तो राशन कार्ड से, और यहाँ तक कि सिलेंडर कार्ड से भी, सिलेंडर गैस का कार्ड जो होता है उससे भी वो मैच होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए। ये सब पहली बार किसने सोचा था इंडिया में? सर मोदी जी। मोदी जी सोचते हैं क्या? वो 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री, और आधार कार्ड कब से लगा है? कुछ भी। और कौन है? और कौन, किसी को पता है? और किसी को पता है? शायद हो सकता है मैंने आपको कोई बताया होगा, और आपने लिख के भी रखे होंगे कहीं ना कहीं होगा। और किसी को पता है? अरे बेटा, और किसी को पता है? अरे बेटा नहीं, उनका नाम था नंदन नीलेकणी। क्या नाम था उनका? नंदन नीलेकणी, जो इंफोसिस के को फाउंडर है, जिन्होंने इंफोसिस बनाई है, नारायण मूर्ति के पार्टनर। सर फिर से नेम बताओ ना। नंदन, नंदन नीलेकणी। सर नीलेकणी, नीलेकणी NILEKANI। और सर ईयर है क्या, कब से स्टार्ट हुआ? नहीं नहीं नहीं, ईयर नहीं है, ईयर के बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है मुझे, अगर होंगी भी तो। बट 2014 से पहले, 2010 से भी पहले, 2008 का पहुंचा है। ठीक है, तो इंफोसिस जो कंपनी है उसको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है आधार कार्ड को सॉफ्टवेयर बनाने का, आधार कार्ड का सेटअप करने का, 4 साल चलने वाला है। तो उसके लिए इंफोसिस ने बहुत सारे एम्प्लॉय को क्या कर लिया, हायर कर लिया। 4 साल तक काम हुआ है, 4 साल तक एम्प्लॉय काम कर रहे, बट 4 साल के बाद इंफोसिस को कोई नया ऑर्डर नहीं मिला। मतलब उनकी सिचुएशन क्या हो जा रही है, डाउन हो रही है। उनकी सिचुएशन किसी हो रही है, डाउन हो रही है। तो डाउन सिचुएशन को मैच करने के लिए वो क्या करेंगे, अपने कुछ एम्प्लॉय को निकाल देंगे, मतलब होता है रिट्रेचमेंट। सिचुएशन डाउन हो रही है इसलिए अपने कंपनी के एम्प्लॉय को निकाल देना सिचुएशन मैच करने के लिए, मतलब होता है रिट्रेचमेंट। ठीक है? हाँ सर। ओके, एंड और क्या नहीं समझा? सर, हाँ सर, आपने एसडीयू कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया ना सर? नहीं पढ़ाया? नहीं सर, एसडीयू कॉन्सेप्ट और ये स्टेबिलिटी भी नहीं पढ़ाया आपने। एसडीयू कॉन्सेप्ट और स्टेबिलिटी पढ़ाने की? हाँ सर। ठीक है, अगले लेक्चर में पढ़ा दूंगा। एसबीयू कॉन्सेप्ट एंड स्टेबिलिटी मैंने सच में नहीं पढ़ाया क्या? कि शुभांगी आप नहीं थे? नहीं सर, कुछ और आप सबको नहीं पढ़ाया सर। एसबीयू स्ट्रेटेजी, एसबीयू स्ट्रेटेजी एंड स्टेबिलिटी। हाँ सर, स्टेबिलिटी तो पढ़ाया होंगे ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? नहीं सर, नहीं पढ़ा। लिख के है क्या आपके पास? हाँ सर, लिख के है। लिख के है आपके पास स्टेबिलिटी? हाँ। बताइए क्या लिख के है? तो लिख के है तो पढ़ाया होंगे, बताओ स्टेबिलिटी का, बताओ, पढ़ो।
पढ़ो ना, स्टेबिलिटी का लिख के दिया है ना। हाँ सर, एक मिनट एक मिनट। पढ़ू सर? स्टेबिलिटी सर, वॉइस आ रही? सॉरी सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही कुछ भी। स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। जस्ट अ मिनट। मैं पढ़ूँ तो? अभी आ रही है? हाँ सर। हाँ ठीक है, पढ़ो स्टेबिलिटी के बारे में। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इज द एबिलिटी टू विदस्टैंड अ टेम्पररी प्रॉब्लम सच एज अ डिक्रीज इन सेल्स, लक ऑफ कैपिटल और लॉस ऑफ अ की एम्प्लॉय और कस्टमर, एनालाइजिंग योर कैश फ्लो एंड अ वैरायटी ऑफ नेगेटिव scenario will help you determine whatever or not your business is financial stable. If you are earning a low profit, if your company is unstable, if your company is not earning a much profit, अगर आपकी company कोई भी अच्छा profit earn नहीं कर रही, अगर आपकी company बहुत कम profit earn कर रही है, तो कम प्रॉफिट अर्न करने के सिचुएशन में आपकी कंपनी ने अपने अपने एक स्टेबल डिसीजन के साथ आगे बढ़ना चाहिए या कोई भी स्टेबल डिसीजन लेना चाहिए। स्टेबल डिसीजन मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको इंफोसिस का एग्जांपल दिया था, ठीक है, इंफोसिस क्या कर रही है, टर्न अराउंड के रिट्रेचमेंट के सिचुएशन में क्या कर रही है इंफोसिस, अपने एम्प्लॉय को निकाल रही है, राइट। इट इज अ नेगेटिव डिसीजन। क्या होगा ये नेगेटिव डिसीजन? अगर स्टेबिलिटी के ऊपर वो सोचता है तो वो किसी और क्लाइंट को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं नए उनके नए ऑर्डर के लिए। वो होता है एक स्टेबिलिटी का डिसीजन। क्या होता है वो, एक स्टेबिलिटी का डिसीजन। ध्यान से सुनो, मैंने आपको रिट्रीचमेंट के सिचुएशन में मैंने आपको बताया था कि इंफोसिस को 4 साल का ऑर्डर मिल गया है, 5वें साल उसके पास कोई ऑर्डर ही नहीं है और नहीं मिल भी नहीं रहे, तो उन्होंने अपने कंपनी के एम्प्लॉय को निकाल दिया था, करीब आधे एम्प्लॉय को उन्होंने निकाल दिया। वो हो गया एक डिसीजन। और दूसरा डिसीजन ये है, अगर वो स्टेबिलिटी के बारे में सोचते, तो क्या करते, अपने ओर से, कंपनी की ओर से कुछ नए क्लाइंट के, नए ऑपरेशन के लिए या फिर नए कुछ ऑर्डर के लिए क्या करते, ट्राई करते। वो होता स्टेबिलिटी वाला डिसीजन। मतलब उनकी कंपनी क्या करती, अपने कंपनी के एम्प्लॉय को नहीं निकालती, हो सकता है थोड़ा सा उनका सैलरी कम कर दे कुछ दिनों के लिए, चलता कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर वो एक स्टेबल डिसीजन लेते तो वो अपने कंपनी के एम्प्लॉय को निकलने के बजाय नए ऑर्डर के ऊपर क्या करते, तलाश करते, नए ऑर्डर लाते कंपनी के लिए। दिस इज कॉल्ड अ स्टेबिलिटी डिसीजन। मतलब लो प्रॉफिट में भी कंपनी के लिए एक स्टेबल डिसीजन लेना, राइट। कोई कोई सीईओ या फिर कोई कोई ऑनर ऐसे होता है कि रिस्की सिचुएशन में एम्प्लॉय को निकाल देता है, रिस्की सिचुएशन में एम्प्लॉय को क्या करता है, वो निकाल देता है। बहुत बार ऐसा होता है, वो स्टेबिलिटी वाला डिसीजन नहीं होता। अगर वो स्टेबिलिटी के बारे में सोचे, अगर उसको स्टेबिलिटी की कॉन्सेप्ट अगर पता होती तो वो क्या करता, वो नए क्लाइंट नए ऑर्डर लाने के बारे में सोचता, ना कि अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को निकाल देता। ठीक है
शुभांगी नहीं सर नहीं ठीक है सर नहीं समझा रिट्रेचमेंट रिट्रेचमेंट में क्या हो रहा है कंपनी अपने एम्प्लॉय को निकाल इतना समझा हाँ सर एबिलिटी का अगर मैं डिसीजन लेता हूं तो मैं कंपनी के एम्प्लॉय को कंपनी से निकालने के बजाय नए क्लाइंट्स को ढूंढूंगा प्रॉफिट कमाने के लिए ताकि मुझे अपने कंपनी के एम्प्लॉय को नहीं निकालना पड़े इट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी सिचुएशन है लो प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय को निकालो मत कंपनी के एम्प्लॉय में हो सकता है आप उनके कोई थोड़ी सैलरी कम कर दीजिए बट नए ऑर्डर के लिए नए क्लाइंट के लिए ट्राई करिए और नए ऑर्डर कंपनी के लिए लाइए ये होता है एक स्टेबिलिटी का डिसीजन अभी भी नहीं समझा बेटा हाँ सर अभी समझ गया ओके स्वाति स्वाति यस सर बेटा आधार कार्ड का किसने शुरू किया था आधार कार्ड की आइडिया किसकी थी बेटा सर नंदन गिलेकर नंदन नीलेकनी ही इज अ फाउंडर ऑफ ही इज अ को फाउंडर ऑफ इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड द सेकंड हाईएस्ट प्रॉफिट अर्निंग आईटी कंपनी इन इंडिया आफ्टर टीसीएस इंफोसिस दूसरे नंबर की कंपनी है आईटी बेस्ड इंडिया की सबसे बड़ी और पहली नंबर की कंपनी है टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसका नेट रेवेन्यू टीसीएस में 55% लड़कियां है एम्प्लॉय टीसीएस में जिसका नेट रेवेन्यू टीसीएस का अगर नेट रेवेन्यू आप देखते हो तो पाकिस्तान की जितनी भी कंपनियां वो सबका प्रॉफिट मिला के सिर्फ टीसीएस का प्रॉफिट है इंडिया के एक कंपनी का प्रॉफिट इतना है कि पाकिस्तान की सारे कंपनियों का प्रोडक्ट प्रॉफिट है इसकी केस स्टडी भी मैंने आपको दिया हूँ फर्स्ट ईयर में जब मैंने रतन टाटा के बारे में बताया था सर रतन टाटा के बारे में बताया था याद है सैटरडे को हम ये लेते थे केस स्टडी लेते थे उसमें मैंने जब टाटा का एग्जाम्पल आपको दिया होगा या फिर रतन टाटा जी के बारे में केस स्टडी मैंने आपको पढ़ाया हो तब मैंने आपको ये बात बताई होगी कि टीसीएस का प्रॉफिट इतना है कि पाकिस्तान की सारी कंपनी का प्रॉफिट हमारे एक कंपनी का ही है ठीक है और शुभांगी हाँ सर और सर एसबीयू कॉन्सेप्ट हाँ बेटा वो बाद में पढ़ाऊंगा बोला ना क्या सर तो बाद में पढ़ाऊंगा बोला ना हाँ सर ठीक है और बेटा और बताइए मतलब ऐसा है कि सिर्फ शुभांगी और स्वाति ने ही पढ़े की क्या कल कोई और सवाल ही नहीं पूछ रहा है कोई और सवाल ही नहीं पूछ रहा है सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी पूछ सकते हैं क्या बेटा इट इज ओके इफ यू आस्क दिस क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट लेक्चर सर हाँ ये जो क्वेश्चन है आपने दिए है ओके असाइनमेंट के ओके तो आंसर जो आपने लिख के दिए वही लिखना है कि गूगल से निकालना है नो जो मैंने सवाल दिया वही लिखना है गूगल को क्यों परेशान कर रहे हो बेचारे को बहुत काम है कोई कोई छोटे छोटे है ना इसलिए बोल रही थी वो छोटे छोटे ही दिए बेटा मैंने आपको बोला शॉर्ट नोट्स वो छोटे ही लिखना है ओके सर हाँ ज्यादा तकलीफ मत लो एमसीक्यू आने वाले हैं पेपर में तो आपको कुछ डिस्क्रिप्टिव लिखना नहीं इसलिए हमने कम लिखे ताकि हमारा एक्स्ट्रा टाइम ना जाए
और जिस बात के ऊपर हमें क्लियर कट फोकस करना चाहिए वो बात के ऊपर हमारा फोकस, ठीक है बेटा? ओके हाँ जी, अभी मैं अपना मोबाइल चार्ज करता हूँ बेटा, क्योंकि मुझे आपके सीनियर का भी लेक्चर लेना है और मेरे मोबाइल में चार्जिंग ही नहीं है, लाइन नहीं थी, तो हम आफ्टरनून का सेशन नहीं होगा, मंडे को मिलेंगे, ठीक है? और हाँ बेटा, कल रुको, कल शाम 5 बजे तक, 5 या 6 बजे तक मुझे सबकी वीडियो आ जाने चाहिए कॉलेज यूनिफॉर्म में, और जितनी बातें मैंने बताई है उतना, टेल मी अबाउट सेल्फ का क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ सर, ओके, हाँ सर, ओके बेटा, हाँ हाँ ठीक है।